उत्तराखंड का हल्द्वानी गुरुवार को अचानक हिंसा की आग में जल उठा। पत्थरबाजी, आगजनी और गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। बड़ी संख्या में मकानों और दुकानों में तोड़फोड़ हुई तो सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने ऐसा उत्पात मचाया कि पुलिसकर्मियों के लिए अपनी जान की रक्षा करना मुश्किल हो गया। देर रात तक हल्द्वानी हिंसा की चपेट में रहा। अब पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल बुलडोजर एक्शन शुरू होने के बाद पुलिस पर अचानक हमला कर दिया गया था। गलियों में एकत्र भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस और अफसरों की वापसी का रास्ता रोकने के लिए बाइकों में आग लगाकर रास्ते पर गिरा दिया गया। पुलिस की सिटी पेट्रोल कार और नगर निगम के एक ट्रैक्टर को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस और खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देर रात तक पत्थरबाजी से पुलिस के दर्जनों अफसर समेत 200 से अधिक जवान घायल हुए। सर वहाँ पे ऐसा हुआ था, 4 बजे करीब ना हम पहुँचे वहाँ पे, 3:30 बजे करीब हम पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ पे पत्थर, हम थोड़ा बहुत हल्ला हुआ, इसके बाद थोड़ा सा आगे को मशीन पड़ी तो पत्थर फेंका वहाँ से। हम निगम में है सर, हाँ जी हाँ, पुलिस कर्मचारी हैं, पूरा सेवा हुआ कर सब कुछ रहता है। वो तो हम गए थे तोड़ने के, गाड़ी बुड़ी में आग लगा दी हमारी सारी गाड़ियों में सर। हम पूरे हमारे 200 कर्मचारी थे, हमारे कर्मचारी हैं अभी देखो, बाकी 3 तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, एक खिड़सर हॉस्पिटल में, बाकी अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इनको पता नहीं है खाली। बाकी सबके लोगों के, मेरे तो यहाँ आई है, मेरे दो, एक पहले यहाँ आई है और 2 हाथ पे पत्थर मारे हैं। बाकी हमारे सारे कर्मचारी का बेजड़ा टूटा हुआ है, किसी के सिर में लगी है, किसी के यहाँ लगी है, किसी के टांग में लगी है, सब जगह लगी है, हर जगह लगी है। आप मेरा विशाल कुमार सर। हल्द्वानी में आखिर ऐसा बवाल हुआ क्यों? दरअसल कोर्ट के आदेश पर हल्द्वानी नगर निगम अतिक्रमण हटाने में जुटा है। वनभूलपुरा इलाके में मालिक के बगीचे में नजूल भूमि पर मदरसे और एक मस्जिद बना हुआ था। नगर निगम ने इन्हें अवैध बताते हुए एक्शन लिया था। इसको लेकर 4 फरवरी की देर रात भी बवाल हुआ था। क्षेत्र में तनाव फैलता देख नगर निगम ने किसी भी आदेश का हवाला देते हुए दोनों स्थलों को सील कर दिया था। इसके बाद अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई को रोक दिया गया था, लेकिन गुरुवार को नगर निगम के कर्मचारी 4 बजे JCB लेकर वनभूलपुरा थाने पहुंच गए। सील संपत्ति पर अचानक क्यों कार्रवाई की गई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। बुलडोजर एक्शन शुरू होने के बाद पुलिस पर अचानक हमला कर दिया गया। गलियों में एकत्र भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस और अफसरों की वापसी का रास्ता रोकने के लिए बाइकों में आग लगा दी गई। हिंसा भड़कने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी।